आज के ताजा मौसम समाचारों की इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली से झारखंड तक इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ ठंडी हवाओं से सर्दी जो है तेज हो गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में आज सुबह यहाँ पर राजधानी के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया नजर आया। इसके अलावा झारखंड के कुछ इलाकों में और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी शीतलहर की चेतावनी जो है वो दी गई है। वहीं रांची मौसम विभाग केंद्र के जो प्रभारी जो है अभिषेक आनंद, उन्होंने कहा है कि बुधवार तक राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में पारा गिरना जारी है और गढ़वा में सबसे कम तापमान 6.7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वही मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी कि उसके मुताबिक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु केरल में कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। वही मौसम विभाग ने पूरे ओडिशा में शीतलहर की अलर्ट जो है वो जारी किया। राज्य कई स्थानों पर पारा 10 डिग्री के आसपास चला गया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग इलाकों में जो है मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा और भारी बारिश होने के आसार जताए गए। भारी बारिश जो है दक्षिण के तमिलनाडु में होगी, जहां पर कई इलाकों में तेज बारिश यानी भारी बारिश से जो हालात जो है खराब, स्कूलों को भी यहां पर बंद कर दिया गया है। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम अपडेट की, तो हिमाचल में जो है अधिकांश हिस्सों में जो है कल कड़ाके की सर्दी रही, शीतलहर की स्थिति रही। मौसम शुष्क यहां पर रहने के बावजूद भी पारा जो है मामूली रूप से गिरा। वह कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास रहा, कई स्थानों पर सामान्य से नीचे रहा। यह मौसम विभाग केंद्र ने 21 तारीख तक राज्य के अंदर जो है मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है और 22-23 को यहाँ पर कुछ इलाकों में ऊंची पहाड़ियों में बारिश और बर्फबारी की तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें आपको कि राज्य में 1 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक सामान्य बारिश जो है 51.6 mm बारिश के मुकाबले इस बार जो है 45 mm ही बारिश हुई है। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के मौसम अपडेट की, तो मौसम विभाग ने आज पूरे उड़ीसा में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। राज्य के कुछ स्थानों पर पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कांधमाल जिले में जो कांधमाल जिला है वहाँ के उदयगिरी सुंदरगढ़ जिले में जो है कई इलाकों में जो है ठंड जो है तेज पड़ी। इन शहरों में तापमान 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया कि कारापुर, कालाहांडी, कंधमाल और आगोल, ढाकनाल और रायगढ़, सुंदरगढ़, कुआजरी, मयूरभंज में 1-2 स्थानों पर आज जो है मध्यम से तेज मतलब मध्यम कोहरा छाए रहने का पूर्व अनुमान है। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह के वक्त तेज ठंडी हवाएं चल रही है, न्यूनतम तापमान 7 के आसपास जा रहा है। अगले 2-3 दिनों में 5 डिग्री तक जाने की भी उम्मीद जताई गई है। तो दिल्ली के मौसम को लेकर ये बड़ा अपडेट जो है फिलहाल निकल के सामने आ रहा है। बात अब राज्य भर यहाँ पर बिहार के मौसम की कर लेते हैं, तो बिहार में भी अब ठंड जो है अपने पूरे तेवर दिखा रही है। मौसम विभाग ने जो ठंड को लेकर जो है बड़ी जानकारी साझा की है। दरअसल बात यह है कि बिहार में अब ठंड बढ़ने के आसार है। पटना समेत कई जिलों में पारा लुढ़कने लगा है, कई जिलों में तापमान 10 से नीचे जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 20 तारीख से भागलपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। 19 से 23 तारीख के बीच जो है आज से 23 तारीख तक जो है बारिश की संभावना यहाँ पर बिहार के अंदर नहीं है। सुबह के वक्त हल्का कोहरा रह सकता है, आसमान साफ रहेगा। इस दौरान हवा जो है पश्चिमी हवा चलने की संभावना जताई गई है और हवा की गति जो है 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं और मक्की में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। अगर अब तक गेहूं की बुआई नहीं किया है तो देर से यहाँ पर बोई जाने वाली किस्म का चयन करें। वही बुआई शीघ्र समाप्त करने की जो है किसानों को हिदायत दी गई है। तो बिहार के मौसम को लेकर फिलहाल ये बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के मौसम अपडेट की, तो तमिलनाडु में कई इलाकों में भयंकर बारिश देखने को मिल रही है। दरअसल तमिलनाडु कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के विरुनगर, मैडूर और थेनी जिले में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा थूथुकुड़ी और डीराकुल, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर और तिरुपुर और शिवगंगा जिलों में अगले 24 घंटों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा रामनाथपुरम, तिरुचितपल्ली और इसके अलावा 7 अन्य जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की बात कही गई है। लगातार बारिश के कारण राज्य की सरकार ने जो है त्रिवेणी, थूथुकुड़ी और कन्याकुमारी और तेनाकासी
कि सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की बात यहाँ पर कही है। अवकाश छुट्टी की घोषणा जो है वो कर दी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मौसम अपडेट की। यूपी में सब जो है बारिश के आसार जताए गए हैं। दरअसल ठंड जो है कोहरे का डबल अटैक जो फिलहाल देखने को मिल रहा है। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान ठंड बढ़ी है। हालांकि राज्य के विभिन्न इलाकों में तापमान जो है उसमें उतराव चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान जो है राज्य के अंदर जो है तापमान में उतराव चढ़ाव देखने को मिला है। वह बीते 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिला है। इस दौरान रात का तापमान जो है उसमें खास बदलाव तो है फिलहाल जो है नहीं देखने को मिला। यानी ज़्यादातर जो है बदलाव जो है वो विशेषकर बदलाव जो है वो देखने को जो है वो नहीं मिला है। वह यूपी मौसम भी साफ रहने की संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में पश्चिमी इलाकों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी यूपी के पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में जो घना कोहरा छाए रहने की आशा जताई गई है। बीते 24 घंटों में मेरठ जो है सबसे ठंडा इलाका रहा है यूपी का। मेरठ में सबसे ज़्यादा ठंड जो है वो दर्ज की गई है। मेरठ में यहाँ पर ठंड जो है सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। करीब 5 डिग्री तापमान जो है दर्ज मेरठ का किया गया। वहीं राजधानी लखनऊ में कल जो है रात के वक्त जो है तापमान 8 डिग्री तक जाने की यहाँ पर संभावना जताई गई है। यानी तापमान जो है और भी ज़्यादा गिरने की आशा जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर साझा की गई है कि अभी आगामी दिनों में जो है तापमान जो है उसमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो यूपी के मौसम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट ये निकल के सामने आ रहा है कि आगामी दिनों में यूपी में ठंड जो है वो तेज होने वाली है। यूपी के बाद बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में शीतलहर की तगड़ी मार चल रही है और कई इलाकों में बर्फ भी जमी है। पश्चिम विक्षोभ से मौसम बदलने की बात अभी फिलहाल राजस्थान में चल रही है। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में शीतलहर चल रही है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास आ गया है। वही सुबह के कई हिस्सों में जो है कोहरा देखा जा रहा है। माउंट आबू में पारा जो है -1 डिग्री के आसपास जा पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 23 और 24 तारीख को एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ जो है राजस्थान में एक्टिव होने के आसार जताए गए हैं। यानी ताज़ा पश्चिम विक्षोभ राजस्थान में एक्टिव होगा। इसके कारण राजस्थान के कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की बात कही गई। यानी पश्चिम विक्षोभ की वजह से राजस्थान में जो है बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। चूरू सीकर अलवर और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है 6.5 से लेकर 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तापमान जो है फिलहाल इन इलाकों में तापमान में जो है फिलहाल मतलब उतराव चढ़ाव जो है देखने को मिल रहा है। अभी आगामी दिनों में तापमान में जो है और भी उतराव चढ़ाव जो है उसका सिलसिला जो है वो जारी रहने के आसार जताए गए हैं। वहीं श्रीगंगानगर में तापमान जो है 7.7, उदयपुर में जो है 8.9 और चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो राजस्थान में ये मौसम जो है फिलहाल इस तरह का निकल के मौसम जो है फिलहाल मौसम की अपडेट जो इस तरह का निकल के आ रहा है कि अभी राजस्थान में तापमान जो है उसमें उतराव चढ़ाव का दौर जो है फिलहाल यहाँ पर जारी है। अभी आगामी दिनों में भी इसी तरह की स्थितियाँ बनी रहने के आसार जताए हैं। तापमान इसी तरह का ही रहने के आसार जताए गए हैं। तो राजस्थान के मौसम को लेकर ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। राजस्थान के बाद अब यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। तो क्या कुछ एमपी में ठंड को लेकर जो चेतावनी जो है वो निकल के सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में कैसा यहाँ पर मौसम रहने वाला है तो बता दें आपको कि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के अंदर जो है तापमान गिर रहा है। वहीं अब जो है जमकर ठंड पड़ेगी और ठुठन भी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने के साथ साथ कई इलाकों में बारिश की बात कही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो यहाँ भी जोर से ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में अब ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने सर्द हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट होने के आसार जताए हैं। यानी अधिकतम तापमान जो है इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा तापमान जो है पंचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया जहाँ पर 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये जब है एमपी का सबसे ठंडा स्थान रहा है। वह मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी दी है कि दिसंबर के आखिरी सप्ते में जो है कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर मौसम काफी ज़्यादा बदल गया है। सबसे ज़्यादा ठंड सरगुजा संभाग में पड़ रही है और मौसम विभाग ने अब जो है प्रदेश में सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की बात कही। तो छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर यह एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। वैसे आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं।